खान जहीर सर, मेरे YouTube चैनल ऑल इन वन योर होम बाय खान जहीर सर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो बनाने का अहम मकसद ये है कि बेगम हजरत महल स्कॉच के बारे में अभी तक बहुत सारे पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को डाउट है कि अभी ऑनलाइन में नहीं आई है। मैं ये बात बताना मुनासिब समझता हूँ कि बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप भी ऑनलाइन में आ गई है, मगर इसका पोर्टल चेंज होकर है। जब आप बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप ओपन करेंगे तो आपको सीधा जो है पोर्टल लेनेस की प्रॉब्लम में जाएगा। इसकी ये वजह, एक वजह यह है कि हर साल की तरह आप बेगम हजरत महल और एनएस स्कॉलरशिप दोनों सबमिट नहीं कर सकते। दोनों में से किसी एक स्कॉलरशिप को आपको सबमिट करना है। इसके बारे में जानकारी मैंने अपने कल की वीडियो में दी है और इसके बावजूद भी बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि कैसा करें, किस तरह से अप्लाई करें। तो इसीलिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और मेरे YouTube चैनल ऑल इन वन योर होम बाय खान जहीर सर को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, चलिए बताता हूँ कि मैं किस तरह से आप बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिस तरह से हर साल आप 9th to 2nd PUC तक लड़कियों के वास्ते बेगम हजरत महल जो मौलाना आजाद नेशनल फाउंडेशन के अंदर है, वहां पर जो एप्लीकेशन अप्लाई करते थे बेगम हजरत महल की लड़कियों के लिए, तो इस साल जो है थोड़ा उसमें तब्दील लाई गई है, चेंजेस लाए गए हैं। जब आप बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप ओपन करेंगे न्यू सेशन, तो वहां से पोर्टल आपको सीधा जो है एनएसपी में लेकर जाएगा। इसका रीजन ये है कि हर साल बच्चे जो है एनएसपी की स्कॉलरशिप भी सबमिट करते थे और मौलाना आजाद स्कॉलरशिप भी सबमिट करते थे। इसकी एक वजह है कि दोनों स्कॉलरशिप बच्चों को आ रही थी, और इस साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दोनों में से सिर्फ एक स्कॉलरशिप देने का फैसला करते हुए, दोनों स्कॉलरशिप को मर्ज करते हुए एक ही पोर्टल में उसे सबमिट करने का प्रोसेस बनाया है। अगर आप न्यू सेशन क्लिक करेंगे बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप में, तो आपको सीधा जो है एनएससी पोर्टल में लेकर जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे डाउट से पूछ रहे हैं कैसे सबमिट करें, तो आप सीधा जो है एनएससी में जाकर न्यू प्रोसेस जिस तरह से करते हैं वैसा करें। मगर जब आप वहां पर स्कीम सेशन करेंगे सेकेंड पेज में, यानी एड्रेस एंटर करने के बाद, तो वहां पर आपको स्कीम पूछा जाएगा, एक एनएससी स्कीम, दूसरा बेगम हजरत महल स्कीम। तो आप वहां पर बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप को क्लिक करें तो आपका एप्लीकेशन बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप को सबमिट हो जाएगा। अगर आपको इसके बारे में भी डाउट है तो कमेंट करें, आप मुझे फोन करें, नीचे मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन में, मैं आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। याद रहे कि दोनों एप्लीकेशन को आपको सबमिट करना नहीं है, दोनों में से किसी एक को, या नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में माइनॉरिटी स्कॉलरशिप या नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप, ये दोनों हर साल की तरह एक बार जो है सबमिट नहीं हो सकते। दोनों में से किसी एक एप्लीकेशन को आपको सबमिट करना है। ये बात स्टूडेंट्स बहुत डाउट से पूछ रहे हैं कि कैसा करें, तो इसका मैंने वीडियो कल बनाया है, अपलोड किया है, मेरे चैनल में आपको मिल जाएगा, उसका लिंक मैं नीचे दूंगा। तो एक बार और मैं आखिरी बार आपको बता रहा हूँ कि मौलाना आजाद स्कॉलरशिप और एनएसपी स्कॉलरशिप दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों अलग अलग सबमिट नहीं होंगे, दोनों में से किसी एक सिलेक्शन करना है। अगर आप बेगम हजरत महल पोर्टल को जाएंगे और निरीक्षण क्लिक करेंगे तो पोर्टल सीधा आपको एनएसपी में लेकर जाएगा। तो वहां पर आपको स्कीम सिलेक्शन में आप या तो एनएसपी मराठी स्कॉलरशिप सिलेक्शन करें या बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप सिलेक्शन करें। ये खासकर जो है 9th to 2nd PUC लड़कियों के लिए है, ये आप जान लें कि सिर्फ लड़कियों के लिए है। अगर आप बेगम हजरत महल सबमिट करना चाहते हैं तो वहां पर उसे क्लिक करें, एनएसपी करना चाहते हैं तो उससे सबमिट करें, इन दोनों से किसी एक को आप सबमिट कर सकते हैं। शायद ये वीडियो आपको बहुत फायदेमंद है, आप मेरे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, मेरा चैनल आर एन वन योर होम बाय खान जहीर सर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, खान जहीर सर, मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन योर होम बाय खान जहीर सर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप के बारे में है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी कंफ्यूज हैं कि ऑनलाइन में बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप जो मौलाना आज़ाद फाउंडेशन के अंडर है, वो अभी तक ऑनलाइन में क्यों नहीं आई। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कॉल किया, कमेंट किया कि क्या वजह है कि अभी तक सबमिशन शुरू नहीं हुआ। तो आज मैं इस वीडियो में उनका डाउट क्लियर कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि अभी तक बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप ऑनलाइन में आकर नहीं है, यह बहुत ही गलत बात है, क्योंकि बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप ऑनलाइन में आ चुकी है, ऑनलाइन में अपलोड कर सकते हैं, मगर प्रोसीजर थोड़ा चेंज है।
क्या चेंज है ये प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले मेरा यूट्यूब चैनल ऑल इन वन योर होम बाय खान दहित सर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें और लाइक करें। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हर साल आप 9th to 12th NSP स्कॉलरशिप और बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप अलग अलग सबमिट करते थे, मगर इस साल जो है दोनों स्कॉलरशिप एक ही पोर्टल में दिए गए हैं, यानी आप दो स्कॉलरशिप्स का फ़ायदा उठा नहीं सकते। कोई एक स्कॉलरशिप आप ले सकते हैं, या बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप या नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में माइनॉरिटी स्कॉलरशिप, इन दोनों में से कोई एक स्कॉलरशिप को आपको अप्लाई करना है। इस वीडियो में आपको एप्लीकेशन का प्रोसेस बताऊंगा कैसे बोल के। इसकी वजह यह है कि हर साल जो है बच्चे स्टूडेंट जो है दोनों स्कॉलरशिप के वास्ते अप्लाई करते थे और दोनों तरफ से फ़ायदा उठाते थे। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप और नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल दोनों एक ही पोर्टल में बनाए हैं। इसका मैं आपको दिखाता हूँ कि आप या तो बेगम हजरत महल को अप्लाई करें या नेशनल स्कॉलरशिप अप्लाई करें। देखिए स्टूडेंट्स, किस तरह से आपको अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में आप न्यू रजिस्ट्रेशन को क्लिक करेंगे, मतलब जब आप बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप को जाकर न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करेंगे तो वहाँ पर सीधा आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में वेब पेज लेकर जाएगा। जब आप वहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करेंगे तो एज इट इज़ जो आप NSP में करते हैं उसी तरह से रजिस्ट्रेशन करें, मगर जब आपका एड्रेस टाइप करने के बाद आपका स्कीम वहाँ पर मिलेगा तो वहाँ पर आपको दोनों में से एक स्कॉलरशिप को चूज़ करना है, या NSP या बेगम हजरत महल। आइए आज मैं आपको दिखाता हूँ इस प्रोसेस के बारे में। यहाँ पर देखिए, जब आप बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप टाइप करेंगे गूगल में तो आपको वहाँ पर होम पेज तो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो वेब पेज है वो डायरेक्ट जो है बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप ओपन होगा। और जब आप इस पर यहाँ पर राइट साइड में जो ऊपर न्यू रजिस्ट्रेशन है और यहाँ पर नीचे भी एक ऑप्शन है तो अप्लाई ऑनलाइन स्कॉलरशिप थ्रू NSP थ्रू नेशनल स्कॉलरशिप, देखिए ये स्कॉलरशिप भी आप NSP के थ्रू ही अप्लाई कर सकते हैं, इसे अलग अप्लाई करने नहीं आएगा। जब आप यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो आपको डायरेक्ट पेज जो है NSP में कर जाएगा। यहाँ पर देखिए, तो अप्लाई ऑनलाइन स्कॉलरशिप थ्रू नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल NSP के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक स्कॉलरशिप आपको सबमिट करना है। जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट आपको NSP का पेज ओपन होगा, और जब NSP का पेज ओपन होगा तो यहाँ पर आप न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करें और एज इट इज़ जिस तरह से आप NSP में फॉर्म प्रोसेस करते हैं उस तरह से प्रोसेस करें। और जब आप सेकेंड विंडो में जब आप एड्रेस टाइप करने के बाद वहाँ पर स्कीम चूज करने के लिए आपको पूछा जाएगा, या तो नेशनल स्कॉलरशिप या बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप, उन दोनों में से आपको कोई एक को सेलेक्ट करना है, दोनों अप्लाई करने के लिए नहीं आएगा। तो ये स्कॉलरशिप जो है सिर्फ 9th to 12th यानी 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर PUC के लड़कियों को है, सिर्फ लड़कियों को। और जहाँ तक NSP है वो तमाम लड़के लड़कों को फर्स्ट स्टैंडर्ड टू डिग्री तक भी आएगा। बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप सिर्फ लड़कियों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।